और फिर उसके ऊपर गलत काम करके माफ़ी मांगते और ये विड्रा करते कैबिनेट का फैसला, आप उल्टा मीडिया को डरा रहे हैं। कैसे सैर सपाटा नहीं तो और क्या है। देखिए इनको चोट इसलिए हो रही है, मुझसे बड़े समय तक तो राजनीति में नहीं है, जयराम हों चाहे दूसरे हों चाहे कांग्रेस के हों, एक भी नेता नहीं ऐसा जिसने जनता के लिए जेलें भुगती हों। एकमात्र राजू शांत हैं और मैं 4 बार MLA रहा हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, MP रहा हूँ। हक नहीं बनता है, हम परिवार के मुखिया हैं, चीफ मिनिस्टर पूरे राज्य का है, विधायक अपने अपने क्षेत्र के हैं, घर के अंदर बच्चे भूखे मर रहे हों, परिवार को दवाई ना मिलती हों, और उस समय वो ऐश आराम करे घर का मुखिया, लानत ऐसे मुखिया पर। आज सुख और सुविधा की बात करना ही एक किस्म का बहुत घटिया बात है। आपके कर्मचारी मर रहे हैं, इंजीनियर करके आउटसोर्स पर पंप ऑपरेटर लगे हैं, डिग्री करके जिनको 40-50 हज़ार वेतन मिलना चाहिए था, 100-150 रुपया मिल रहा है उनको दिन का, और आपका मन कैसे कर गया सुख और सुविधाओं की बात करने का। और फिर उसके ऊपर गलत काम करके माफ़ी मांगते और ये विड्रा करते कैबिनेट का फैसला, आप उल्टा मीडिया को डरा रहे हैं। कैसे सैर सपाटा नहीं तो और क्या है। जयराम जी गलत लोक में हैं आजकल, हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखते, नाटियों से फुर्सत नहीं है, रेस्टोरेंटों से फुर्सत नहीं है। अब आने वाले समय जब धड़ाम से नीचे गिरेंगे हेलीकॉप्टर से, तब मालूम होगा कि स्थिति क्या है।